हे गाइज, आज के फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का वीडियो जो आप देखने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। और गाइज, आप जो सामने में देख पा रहे हैं, ये मेरे पंकज कुमार सिन्हा सर हुए और मेरे रोज वैली के प्रिंसिपल अशोक कुमार जी हुए। तो आज इस इंटरव्यू में बात करने वाले हैं और आपको मोटिवेट करने वाले इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी और आपको फील के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बताया जाएगा कि आखिर सर जो पास हुए हैं बीपीएससी की 66वीं परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, आखिर क्या एक्चुअल है, जो पर्सनल बात है वो हम लोगों में शेयर करेंगे और आप भी इसे जान पाएगा ताकि आपको पता चल पाए कितनी मेहनत लगती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? तो जैसे कि ऑडियंस के तौर पर हम नाम पूछ लिए हैं और सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप जो है इतनी मेहनत और लगन के साथ जो ये एग्जाम को क्रैक किए हैं, इसमें आपका क्या योगदान रहा है और क्या एक्सपीरियंस रहा है जो यहाँ तक अब तक पहुँचे हैं और कौन सा अटेम्प्ट था, वो सब हमारे व्यूअर्स ऑडियंस को बताइए ताकि वो जान पाए और जो भी ये चीज़ की कोई भी एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो कितना पेशेंस रखना पड़ता है, किस तरह से वहाँ तक जाना पड़ता है, वो सब हमारे व्यूअर्स को सेंड कीजिए। किसी भी एग्जाम को आज के समय में क्रैक करने के लिए धैर्य, मेहनत की जरूरत पड़ती है और सभी विद्यार्थी जो है मेहनत करता है, लेकिन जरूरत है कि अगर उसे सफलता उसके जल्दी समय में नहीं मिल पाता है, एक बार में नहीं मिल पाता है, तो उसे कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए और अपनी कमियों को असेसमेंट करके कहाँ पे हमें कमी है और कहाँ किस क्षेत्र में हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर ध्यान देके काम करना चाहिए, तो एक दिन उसे जरूर सफलता मिलती ही है। इलाहाबाद मेरी तो 66 एग्जाम में जो क्वालिफाई किए हैं बीपीआरओ के पद पे, इससे पहले एक लंबी श्रृंखला 48 से 52 से स्टार्ट होके 66 में जाके सफलता प्राप्त हुई। तो बीपीएससी का जो एग्जाम है ये 3 चरणों में होता है। फर्स्ट चरण जो पीटी होता है 150 अंक का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है और यह केवल क्वालिफाइंग रेंज का होता है। इसमें टोटल स्टूडेंट का, टोटल सीट का 10% विद्यार्थी को क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस के एग्जाम में 2 जीएस का पेपर और 1 ऑप्शनल होता है, जो ऑप्शनल विद्यार्थी अपने पसंद के अनुसार चुनते हैं, और 1 कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी है, उसका मार्क्स में केवल क्वालिफाई करना होता है, वो जुड़ता नहीं है, लेकिन क्वालिफाई जब तक नहीं किया जाएगा तो वो विद्यार्थी को वो भी दूसरे पेपर को चेक नहीं किया जाता है। और मेंस के एग्जाम के बाद 120 अंकों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू और मेंस के मार्क को जोड़ के रिजल्ट बनाया जाता है और कैटेगरी के अनुसार और मेरिट लिस्ट बना के विद्यार्थी को क्वालिफाई कराया जाता है। तो ये तो था एक परीक्षा, ये हर विद्यार्थी को पता है, लेकिन तैयारी कैसे करें? तो किसी भी विषय का तैयारी, किसी भी जॉब की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इसका बेसिक चीज है क्या। तो उसका सिलेबस, जब हम बीपीएससी पर एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को देखना चाहिए कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिलेबस देखने के बाद एनसीईआरटी, जो कि एक बेस है, जरूरी नहीं है लेकिन एनसीईआरटी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और जो मेन बुक है जैसे सब्जेक्ट के अनुसार 8 सब्जेक्ट पीटी में मेन होता है, जैसे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का बुक काफ़ी फेमस है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा का बुक, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का बुक, और साइंस के लिए लूसेंट जो स्पेशल साइंस के लिए आता है, तो उस बुक को अगर एक तैयारी किया जाए तो अच्छे तरीके से, और मेरा तो ऐसा मानना है कि कम से कम बुक को लेके तैयारी किया जाए, ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट का 10 राइटर का बुक लेके टेबल पे पसार दे और फिर ऐसा होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, ये सफलता में एक प्रकार से बाधा के बनता है। कम बुक को, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए बजाय कि 10 बुक को 1 बार पढ़िए। अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है और उस सब्जेक्ट में बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस होती है। ये तो हुआ तैयारी, लेकिन हम जो कहना चाहेंगे कि मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ा जरूरी है, क्या कि कोई भी विद्यार्थी को जब कोई एग्ज़ाम, ये राज्य का सर्वोत्तम एग्जाम है और इसकी तैयारी करने के लिए विद्यार्थी को मेहनत करने के साथ साथ उसे अपने आप को, ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए हम योग्य हैं या नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं। एक बार वह विद्यार्थी अगर डिसाइड कर लेता है कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई, उसको अंतिम प्रयास तक कोशिश करनी चाहिए, जैसे ये मेरा आखिरी प्रयास था। और मेरा एक दोस्त है जो कहा करता था कि
चाबी की गुच्छा के आखिरी चाबी से भी ताला खुला जा सकता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। इससे पहले मैंने 4 बार मेंस लिखा और पिछले एग्जाम जो 65 था उसमें इंटरव्यू भी दिए, लेकिन कुछ मार्कों से उसमें मेरा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने अंतिम प्रयास तक कोशिश की और लास्ट में हम सफल हुए। तो ये कहानी एक आम सा लड़का जो सपना देखता है गांव का, हमें कुछ बनना है और उसे ऐसा नहीं मिल जाता है कि थाली में रख के, उसके लिए परिश्रम करता है, गिरता है, उठता है, प्रयास करता है, लेकिन खुद पे भरोसा रहता है कि हम एक दिन ऐसा करेंगे। और उसके पीछे माता पिता का सहयोग जो उसे पूरा छूट दिए रहता है कि जो करना चाहते हो करो, और उसका काफी योगदान रहता है। कहा जाता है कि एक विद्यार्थी पास करके एक सफलता के पीछे काफी लोगों का योगदान रहता है, उसके माता पिता का, उसके दोस्त का, रिलेटिव का। हमने यहाँ जिस संस्थान रोज वैली पब्लिक स्कूल में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, और इस संस्थान में काफी ऐसा माहौल मुझे मिला कि तैयारी करने में काफी आसानी हुआ, और इस संस्थान के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और जितने भी टीचर थे, ऑफिस स्टाफ, सभी का सहयोगात्मक रवैया रहने के कारण हमें ऐसा लगा नहीं कि हम कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, लगा कि घर में काम कर रहे हैं। और जब मेरा पिछले दिनों 2 तारीख को जब किशनगंज में जॉब हुआ, इस स्कूल से मुझे जब विदाई दिया गया, तो उसमें ऐसा महसूस हुआ कि हम क्या छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माहौल, तो ये माहौल ही होता है कि सभी के सहयोग के कारण व्यक्ति को माइंड फ्रेश रहता है, उसे लाइफ मोमेंट, और वो कर पाता है। जब अगर आप किसी जगह काम करते हैं, आपको ऐसा माहौल हो जाए कि आप काम करने में परेशानी है, तो आप कोई दूसरा चीज को नहीं कर पाइएगा, टेंशन में रहिएगा। और उसी के विपरीत जब आप ऐसा माहौल में रहते हैं जहाँ के सभी लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, और यहाँ के स्टाफ भी हमेशा कहते थे कि आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, और इसका प्रयास, इसके वजह से पिछले कई सालों से हमने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास किया, और जब ऐसा आया कि पिछले 1 सप्ताह में 2 जॉब हुआ, एक माध्यमिक विज्ञान शिक्षक के रूप में चयनित हुए और दूसरा बीपीएससी में बीपीआरओ के पद पे। तो जब मेरे जैसा विद्यार्थी कर सकता है, तो कोई विद्यार्थी एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो हमारे सर जो है बिल्कुल क्लियर बताए अपने जो जब से लाइफ को जी रहे हैं और जैसे जैसे रास्ता बनता गया और अभी तक जो अटेम्प्ट दिए हैं वो सभी आपको बता दिया, अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ताकि आप अगर किसी परीक्षा को अटेम्प्ट करते हैं या क्रैक करते हैं तो उसमें कितनी मेहनत, दृढ़ संकल्प लगता है, जो आपको पेशेंस रखना पड़ता है तभी आप वो क्रैक कर पाते हैं। और सर से जो हम मिलते हुए आ रहे हैं वो 9th क्लास, अभी मैं 12th पास आउट हूँ, हम 9th और 10th सर ही से पढ़े हैं। जो सर के पास एबिलिटी था, मुझे लगता था कि आखिर कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, और हम तो पहले जानते ही थे, अभी से 1 साल पहले भी इंटरव्यू देकर थे लेकिन उसमें सिलेक्शन शायद नहीं हो पाया, लेकिन इस बार देखिए सर बताए थे कि कुछ मतलब 2 तारीख को किशनगंज में नौकरी जॉब लगा ही, और बस 3 तारीख को रिजल्ट आया बीपीएससी का 66वीं का, उसमें भी क्वालिफाइड हो गए बीपीआरओ के पद पर। तो एक बहुत अच्छी बात है और हम लोग को बहुत ही खुशी होती है, प्राउड होती है कि एक ऐसा मोमेंट आता है जो आदमी को मेहनत करता रहता पेशेंस रख के तभी किसी को किसी चीज को पा लेता है कंसिस्टेंसी से। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता दुनिया में, आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना पड़ेगा तभी आप कुछ अलग जगह पे अलग ओहदे पे पहुंच पाएंगे। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें जो आपको बहुत सुन रहे नॉइज का, और बहुत सारे जो मेरे गार्ड अंकल है जो इधर उधर काम भी कर रहे थे, तो स्कूल जो अभी चल रही है मतलब ओपन है, इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कतें देखनी पड़ रही, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल में तो हर तरफ काम चलता रहता है, गार्जियन आ रहा, पेरेंट्स आ रहा, बहुत सारी चीज होती है, तो इसलिए जो भी गलती हुई होगी, जो भी आप इधर उधर देखे होंगे, उसके लिए मैं दिल से सॉरी। तो सर आप जो ये 66वीं बीपीएससी परीक्षा में जो क्वालिफाई हुए, आपको कैसा फील हो रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस एक्चुअल वाला फील थोड़ा बताइए ऑडियंस को शॉर्टकट में। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसी के एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उसको क्या कुछ पॉइंट में आप बताना चाहेंगे? किसी भी विद्यार्थी जब वो सफल होता तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि विद्यार्थी तो खुश होता ही है, उससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति, परिवार, दोस्त, रिलेटिव, हर व्यक्ति खुश होते हैं, तो इस समय तो काफी खुशी महसूस हो रही है।
रहा सवाल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उसे सबसे पहले उसे सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए टारगेट क्या करना है, और उस पर निरंतर, हम कई बार कहें कि निरंतरता जरूरी है, अगर वो निरंतरता बनाए रखता है तो एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत और निरंतरता के साथ किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और एक ना एक दिन उसे सफलता डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी, बस उसे खुद पे भरोसा और धैर्य के साथ कार्य करना होगा। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे है, जैसे आप जो सेल्फ स्टडी करके आप कहीं बाहर पटना दिल्ली मुखर्जी नगर कहीं नहीं गए पढ़ने के लिए, आप जो सेल्फ स्टडी करके आप जो पढ़ाई किए वो आपका क्या जरिया रहा, मतलब कौन सा मीडियम रहा, आप यूट्यूब के द्वारा पढ़े, किसी चैनल का जो आप रेफर करना चाहेंगे, आप तो बुक रेफर कर ही दिए हैं जो अच्छी अच्छी बुक है जो आप के पास एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई चैनल हो चाहे आप किसी भी ऐप के माध्यम से पढ़े हो तो उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट को बता दीजिए ताकि वो जान पाए आखिर एक्चुअल में क्या है और क्या चल रहा है। आजकल ऑनलाइन के जमाना में हम कई यूट्यूब चैनल का सहारा लिए, जिसमें एडुटेरिया चैनल, एडुटेरिया श्योर सक्सेस, श्योर सक्सेस एक है, GCSIS जिससे कि 65 में ऑनलाइन नोट्स मंगाए थे जी, उसके बाद इंटरव्यू में श्रेय IAS के यहाँ, रिपब्लिका, प्रेम IAS, कई संस्थान से इंटरव्यू में हम कनेक्ट हुए थे और वहाँ से लाभ प्राप्त किए। और 65 से पहले 56-59 में हमने 6 महीने का पटना में रह के तैयारी किए थे, जिसमें LSW के लिए पारसनाथ सर और हिस्ट्री के लिए गुरुरहमान सर के यहाँ और GS के लिए श्रेय IAS, लेकिन उस बार सफलता नहीं मिली, लेकिन तैयारी का एक बेस तैयार हुआ और उसके बाद कंटिन्यू हम 4 महीने दिए और ये अंतिम प्रयास में यह सफलता प्राप्त हुई। तो कई और भी कई चैनल है जिसमें कि GCS मास्टर जिसका वीडियो हम देखा करते थे, तो यूट्यूब के सहारा से लेके इस एग्जाम को क्वालिफाई किए। और कई बार कुछ जो यूट्यूब पे चैनल है जिसका कुछ आर्टिकल अच्छा लगता है उसे देखने में और वो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत का तो नाम नहीं बता लेकिन बहुत जिसका हम बराबर यूज करते हैं उसका बारे में बताया जी। तो आप देखिए बिल्कुल अच्छी तरह सुन पाए होंगे कि जो सर जो है सेल्फ स्टडी के द्वारा बस 6 महीने के लिए इंटरव्यू के लिए इससे पहले वाले साल में गए थे, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल सेल्फ स्टडी में ही ऑनलाइन की दुनिया में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, सिर्फ आपका माइंडसेट होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं आपको अपने आप से मोटिवेट रहना पड़ेगा तभी आप किसी काम कर पाएंगे। आप सिर्फ फोन देख के संदीप महेश्वरी या डॉक्टर विवेक बिंद्रा किसी का वीडियो आप कितना ही तक देख पाएंगे, आपको खुद का मोटिवेट चाहिए जो सर के पास थे और इसीलिए आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं और आगे भी और जाते रहेंगे। तो हमारे साथ जो हम रोज वैली पब्लिक स्कूल साहेबपुर कमाल बेगूसराय में पढ़ता है, तो हमारे प्रिंसिपल सर जो है अशोक सर, सर भी कुछ बताना चाहेंगे, सर का भी कुछ योगदान रहा है जो सर कुछ सालों से पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है ये, और क्या योगदान रहा अशोक सर थोड़ा डिटेल से बताइएगा हमारे ऑडियंस को कि आप कैसे साथ दे पाए हैं और किस तरह से किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जो जल्दी जल्दी अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। सबसे पहले श्री पंकज सिन्हा जी को 66वीं BPSC क्रैक करने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के दौर में कोई छात्र यह कह दे कि आर्थिक अभाव के कारण हम पढ़ नहीं सके वो साफ बहाना है। आज टेक्नोलॉजी के युग में अनेकों साधन हमारे पास उपलब्ध है जिसके द्वारा हम अगर चाह ले तो अध्ययन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि आधुनिक दौर है, लोग जो है सो जॉब को बहुत बड़ा एजुकेशन का एक पैमाना मानते हैं, नहीं तो अगर एजुकेटेड लोग हैं आपके पास स्किल डेवलप है, जरूरी नहीं है कि जॉब हो तभी आपका काम चले। आज सिन्हा जी BPSC पास किए, इनका रैंक 327वां रैंक है इनका, हो सकता है कि जिनका 328वां रैंक होगा वो फेल कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि 328वां जो स्टूडेंट था उसके पास BPSC का नॉलेज नहीं था। हमारे सिन्हा जी इसके उदाहरण हैं कि पिछले जो 65वीं BPSC था उसमें 2 मार्क्स से इनका छूट गया था, मतलब इनके पास योग्यता था BPSC क्रैक करने का, लेकिन हो सकता है कि 2 मार्क्स इधर उधर कहीं हो जाए, इससे घबराना बच्चों को नहीं चाहिए। आपके पास स्किल डेवलपमेंट डेवलप है, आपका स्किल, आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
इनके सफलता के लिए हम इनके माता पिता को सबसे पहले चरण वंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने इनके पीछे 20 साल अपना बहुत बड़ा त्याग और तप दिया। आज के समय में और समझिए कि एक अभिभावकों के लिए मेरा संदेश है कि अभिभावक बच्चा जब 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो अभिभावक जो है सो उसको समय देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, धड़का जाते हैं कि भाई अब जो है सो हुआ, हम बहुत खर्चा हमसे नहीं होगा। बच्चों को समय देना पड़ता है। एक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों का योगदान होता है, जिसमें माता पिता का योगदान मेरे नज़र से 80% है। अगर वो अगर वक्त दे तो वक्त मिलने के बाद और मेहनत करने के बाद बड़ा से बड़ा पत्थर को, आज दशरथ मांझी के पास समय नहीं रहता तो 22 साल अगर उसके पास रहता नहीं तो पहाड़ काँप नहीं सकता। अगर 2 साल में वो मर जाता तो दशरथ मांझी को हम लोग जान नहीं पाते। तो उसके पास 22 साल समय दिया, वक्त दिया, जिसके कारण दशरथ मांझी बना। नहीं तो उसके लिए साक्ष बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। इसीलिए अभिभावकों के लिए मेरा संदेश है कि अपने बच्चों को फ्री हैंड समय दे, वक्त दे, ताकि वह जीवन में बड़ा से बड़ा सफलता को प्राप्त कर सके। तो हमारे प्रिंसिपल अशोक सर भी देखिए आपको अपना एक्सपीरियंस, जो जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है वो सभी शेयर किए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आपके पास UPSC हो, BPSC हो, नीट हो, IIT हो, आपको दृढ़ निश्चय संकल्प उस तरह का रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप से मोटिवेट रहना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को क्रैक कर पाएगा और आपको जो है मेहनत करने की आदत लगी रहेगी। तो आप किसी भी चीज़ में जाएगी, आपके पास स्किल रहेगी तो आप वहाँ से कुछ अच्छा कर सकते हैं, यूनिक और डिफरेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बता पाया ताकि आप अच्छे से जान पाए और अच्छे से किसी भी चीज़ को कर पाए। और जो हमारे सर जो है 327वां रैंक लाया है पूरी बिहार में, तो ये लास्ट ईयर अटेम्प्ट था, समझिए गिव अप नहीं करना चाहिए किसी को। तो सर भी वैसे लगे रहे और भाग्य की बात है कि टीचर के नौकरी के बाद जस्ट ही BPSC भी क्रैक हो गया, तो बहुत ही खुशी हुआ ऐसे माहौल में। और आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह का पूछना हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बस वैसे सर तो मेरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ये आपको कुछ पूछना हो, किसी तरह कोई कॉन्टैक्ट करना हो, आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही फिर से नेक्स्ट वीडियोज में। टेक केयर, बाय।